कि ये अकेले का काम नहीं था, मेरे को अपने भाई को बुलाना पड़ा था साथ में। तो अब कितना सेक्सी लग रहा है यार। एक बार तुमको जिप वगैरह सब कुछ बंद करके दिखाता हूँ और फिर दिखाता हूँ कि अंदर का टेंट कैसा लगता है। इसको खोलते और चलते हैं बाहर और इसका वाटरप्रूफ टेस्ट करते हैं। तो क्या हाल है भाइयों के, सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, आई होप यू आर डूइंग वेल। और आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग हमारे नए टेंट की, तो चलिए शुरू करते हैं। फिर ऐसी कुछ इसकी पैकिंग आती है और यहाँ पे बिल्स वगैरह, वो भी मैं आपको जल्दी दिखाऊंगा, बट एक ओवरव्यू ले लो आप अभी पैकिंग का। तो अब इसको अनबॉक्स करते हैं। सो गाइस, टेंट का मेरा भी ये पहले एक्सपीरियंस है, तो ये मैनुअल वगैरह है तो इसको साइड में रखते हैं फिलहाल। बाकी आपको मैं दिखाऊं इसके साथ क्या क्या मिला है। तो पहले तो ये वाली शीट मिली है, फिर ये वाली शीट मिली है, ये कुछ है इसमें वो भी खोल के देखते हैं। बाकी ये रॉड्स टाइप मिली हुई हैं, तो सब कुछ देखते हैं, सब कुछ आपको भी बताते हैं धीरे धीरे। कि प्राइस टैग की अगर बात करें तो इस पर लिखा है वैसे तो 5000 का, बट फिलहाल मेरे को ये मिला है 3000 का, वो भी डिकैथलॉन की ऑफिशियल साइट पर। सो गाइस, फिलहाल मैंने इसकी जो सबसे नीचे वाली लेयर है उसको खोला है। मैंने भी अभी YouTube पे देखा था इसको कैसे कैसे करना है, क्योंकि मैनुअल में तो मेरे को समझ आ नहीं रहा है। बाकी अभी देखते हैं बाकी आगे मैं क्या करूँगा। सबसे पहले तो इसको ऐसे स्प्रेड कर दिए लैंड इसके ऊपर, ज़मीन के ऊपर, और बाकी जैसे जैसे मैं करता जाऊँगा वैसे वैसे आपको दिखाता जाऊँगा। सो स्टे ट्यून्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि ये जो रॉड्स हैं शायद फाइबर की रॉड्स हैं, बट इनकी जो क्वालिटी है ना वो भाई एक नंबर है, मतलब बहुत ज़्यादा सही क्वालिटी की हैं ये रॉड्स। तब इनको शायद वो जो ऐसे ऐसे ये पोज टाइप है ना इसके अंदर से डालूँगा, तो इसके अंदर से ऐसे ऐसे कुछ होगा। तो करता हूँ इसको और आपको भी दिखाता हूँ। हम ना है जमाने से, जमाना है हमारे से। हम ना है जमाने से, जमाना है हमारे से। तो गाइस, एक घंटा इससे लड़ने के बाद फिलहाल ऐसा लग रहा है ये, और मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है कि गलत लगाया मैंने ये अभी। सो गाइस, अभी आप देख सकते हो कि ये अकेले का काम नहीं था, मेरे को अपने भाई को बुलाना पड़ा था साथ में। तो अब कितना सेक्सी लग रहा है यार। इसके अंदर जाके भी बताऊंगा, इसकी स्पेशलिटीज भी बताऊंगा, पहले आप इसका ओवरव्यू ले लो बाहर से कैसा लग रहा है। ऐसा कुछ टेंट है फिलहाल, अभी तक ये वाटरप्रूफ नहीं है, इसमें अभी वाटरप्रूफ वाली वो लगेगी। सो गाइस, अभी अपना टेंट हो गया एकदम वाटरप्रूफ, हमने ये वाली जो थी शीट वो भी ऊपर लगा दी है, और अब इसके अंदर जाके आपको दिखाऊंगा सच्ची में 3% के लिए है ये कि नहीं है। अंदर जाने से पहले मैं इसके थोड़े बता दूँ कि इसमें वेंटिलेशन वाले बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, आप देख सकते हो ये सारा वेंटिलेशन के लिए है। ऑल्सो यहाँ पर वो बांधने के लिए है, बट मैं अभी बांध नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं अभी कैंप करना नहीं है। तो मतलब फीचर सारे हैं कि हवा बाई चांस आ जाए, सब कुछ आ जाए तो उड़े ना। तो बाकी अब सीधा अंदर जाके मिलता हूँ आपको। जमाने से, जमाना है हमारे से। हम ना है जमाने से, जमाना है हमारे से, क्योंकि है हम रहते हैं। सो गाइस, अंदर से ऐसा कुछ टेंट है। वाकई यार जगह बहुत ज़्यादा है, अभी जैसे 1% उस साइड है, एक बीच में है और एक यहाँ पे आ जाएगा। हमारे यहाँ से तो व्यू दिख नहीं रहा कुछ खास, क्योंकि ये टेरिस है मेरा। बाकी अंदर से कुछ ऐसा टेंट है, स्पेशियस है। लेट के अगर बात करूँ तो बढ़िया है एकदम, मैं 6 फुट का हूँ और मेरे पैर बिल्कुल लास्ट तक आ रहे हैं, मतलब बढ़िया है। सफोकेशन टाइप फील नहीं हो रही है इसमें, हालांकि अभी सारा बंद है, सिर्फ वो है एक विंडो टाइप खुला हुआ। गाइज, मॉस्किटो नेट भी है यहाँ पे, मतलब मॉस्किटोज वगैरह अंदर नहीं आ सकती, और वेंटिलेशन भी अच्छी सी हो जाएगी, मतलब हवा वगैरह आपको सब कुछ आ जाएगा। अगर बारिश नहीं हो रही है तो आप ये जो बार वाली है शीट इसको भी आप खोल सकते हो, मतलब लगाने की जरूरत नहीं होगी इसको। बाकी अगर तुम ये देखो तो एक विंडो टाइप से मतलब दिखती है, तो बढ़िया लगती है ये भी एकदम। अगर अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं बार वाली शीट की भी जिप बंद कर दूँ फिर कैसा लगता है टेंट अंदर से।
सो गाइस इस टाइम टेंट चारों तरफ से बंद है, तो सांस वगैरह की कोई प्रॉब्लम तो हो नहीं रही है, हर जगह से बंद है एकदम। मैंने आपको 360 व्यू भी दे दिया इसका। बाकी अगर मैं इसको सोने की बात करूँ, जैसे बाई चांस बारिश भी हो रही है अगर हम सो रहे हैं तो बढ़िया, मतलब अगर आप 3% नहीं 2% भी जा रहे हो तो आपका लगेज वगैरह एक साइड आ जाएगा, और एक पर्सन यहाँ पे और एक पर्सन जहाँ पे मैं लेटा हूँ इस टाइम वहाँ पे आ सकता है। तो बढ़िया टेंट है एकदम, मतलब जितने हम प्राइस लगा रहे हैं इस पे, मतलब 3000 का है ये, तो 3000 वर्थ ही एक टाइप का। लाइट लगाने के लिए इन्होंने एक हुक दिया हुआ है यहाँ पे, आप लाइट लगा सकते हो। बाकी अगर बारिश नहीं हो रही है तो आप जो बाहर वाली शीट है उसको खोल सकते हो, और ये फिर एज अ विंडो काम करेगी, आप बाहर का व्यू वगैरह ले सकते हो इससे। तो गाइस लेट मी टेल यू वन थिंग कि मैंने टेंट क्यों लिया है, तो कैंपिंग वगैरह की वीडियोस भी बहुत ज़्यादा जल्दी आएंगी, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बहुत ज़्यादा सही कंटेंट आने वाला है, सब्सक्राइब कर दो, लाल बटन दबा दो। बाकी गाइस टेंट वगैरह लगा तो लिया मैंने, अब मेरा मन कर रहा है कि मैं रात को ना अपने टेरिस पे ही कैंपिंग करूँ, क्योंकि मैंने अभी तक तो कैंपिंग कभी की नहीं हुई है, तो मेरा मन कर रहा है कि आज मैं यहाँ पे टेरिस पे ही कैंपिंग करूँ। सो गाइस ज़्यादा तो सीन अच्छा नहीं है, बट बढ़िया ही है, मतलब इवनिंग सनसेट हो रहा है तो बढ़िया सीन लग रहा है ऐसे। आप भी अगर कैंपिंग वगैरह कर रहे हो तो ऐसे इन्जॉय कर सकते हो इस विंडो से, छोटी सी विंडो है बट बढ़िया है ऐसे। आप लेटे हो, मतलब लेटे तो नहीं हो, लेटे हो के तो नहीं दिखेगा, ऐसे बैठे हो आप अपना चिल कर रहे हो और सामने से ऐसे व्यू दिख रहा है तो कितना सही लगेगा। मतलब इसको खोलते हैं और चलते हैं बाहर और इसका वाटरप्रूफ टेस्ट करते हैं। सो गाइस मैंने मैक्सिमम देखा है कि जो टेंट्स होते हैं उसके जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, वो अगर बारिश होती है तो गीला हो जाता है, तो इसका ट्राई करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं हम कि पानी जो है वो मतलब फिसल जा रहा है, रुक नहीं रहा है इस स्टफ़ के ऊपर, तो आई थिंक इट्स अ वाटरप्रूफ स्टफ़। बाकी आपको अंदर की दिखाऊंगा कि वो गीली तो नहीं हो रही है जो नीचे वाली शीट है। सो गाइस बिल्कुल भी पानी अंदर नहीं आया है, तो वाटरप्रूफ टेंट है, बस आपको एक योगा मैट या फिर कुछ लेना पड़ेगा नीचे बिछाने के लिए, ताकि जो हीट होती है मतलब ज़मीन की हीट है वो आपको आपके शरीर को गर्म ना कर दे और फिर आपको बीमार हो जाए, सर्द गर्म हो जाए आपको या फिर ठंड हो जाए, तो उसके लिए आपको मेजर्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि इसकी शीट थोड़ी पतली है, बट हाँ वाटरप्रूफ है और अच्छी शीट है इसकी। बाकी गाइस ऐसा कुछ टेंट का कवर है, और इसके जो मेन कंपोनेंट्स मतलब जो वो इन्होंने दिए पेच वगैरह जिसे आप बांधोगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस इस टेंट के साथ आपको ये रस्सियाँ वगैरह मिली हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो बनती हैं और फिर मतलब छेद वगैरह करके हम वो जो डालते हैं। सो गाइस ऐसी कुछ रस्सियाँ और ऐसे ये हैं, बक्कल ही बोलेंगे इनको, मैं तो अपनी भाषा में बक्कल बोलूँगा, तुमने जो बोलना बोलो, मैं गलत बोलूँगा तो माफ़ कर देना। ये रस्सी मिट्टी के अंदर जाता है ऐसे, और इसमें हम रस्सी बांधते हैं और इसको फिर हम टेंट से बांधते हैं, जिससे कि ये स्ट्रांग रहता है, टेंट खड़ा रहता है और विंड में भी मतलब उड़ता नहीं, और मतलब थंडर स्टॉर्म वगैरह जैसा भी कुछ सीन होता है तो मतलब ठीक रहता है टेंट और आप इसके अंदर सेफ रहते। तो उसके लिए ये इन्होंने भी दिया हुआ है, तो इसको हम डालेंगे सीधा अंदर, क्योंकि हमारे इस टाइम किसी काम का नहीं है। बाकी इस टेंट में दो पॉकेट्स भी दी हैं, मतलब जैसे आपका सामान है, फ़ोन वॉलेट वगैरह कुछ भी, मतलब छोटा मोटा सामान वो यहाँ पे आ सकता है इस पॉकेट्स में, तो बढ़िया यार, मतलब स्टोरेज के लिए भी ठीक है ये टेंट। कि अगर आपके दिमाग में डाउट होगा कि हाँ यार ये तो वेंटिलेशन के लिए, बारिश होगी तो पानी अंदर आएगा, तो भाई बिल्कुल भी नहीं आएगा। इन्होंने देखो दिमाग लगा के कुछ ऐसा किया है कि ये जो स्टफ़ है ना यहाँ पे इन्होंने एक ना आयरन जैसा कुछ लगा के रखा हुआ है कि पानी अगर आएगा तो स्लाइड करके बिल्कुल सीधा नीचे को जाएगा, अंदर को बिल्कुल भी नहीं आएगा। मतलब अगर बाई चांस बारिश हो भी रही है तो तुम इसको एज अ वेंटिलेशन यूज़ कर सकते हो, कोई सीन नहीं होगा कि पानी अंदर आएगा तुम्हारा सामान गीला हो जाएगा, तुम गीला हो जाएगा, कुछ नहीं होगा वैसा। बाकी गाइस अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये जो ये वाला पार्ट है ना इसका, ये मतलब थोड़ा ट्रांसपेरेंट है, मतलब अगर ये ऊपर वाली शीट ना होना तो आप ना ऊपर चांद सितारे देख सकते हो थोड़े बहुत, मतलब इतना क्लियर भी नहीं होगा, मतलब मजे ले सकते हो तुम मतलब आसमान के। सो इस टेंट का ये बेनिफिट है कि अगर आपको ग्रे कलर पसंद नहीं है तो आप वाइट भी ले सकते हो, मतलब शो ऑफ ही करना है ना कि भाई मेरे पास दो टेंट हैं, वो भी कर सकते हैं इससे, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं। तो इसी के साथ वीडियो करते हैं, एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो पसंद आई तो यार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, बहुत अच्छा कंटेंट आने वाला है बहुत जल्दी, तो भाई लाल बटन दबा दो जल्दी से। तो अगर बात करें इस टेंट की वैल्यू की तो यार वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि 3000 में आपको ये टेंट मिल रहा है, मतलब बढ़िया है। ऑल्सो अगर आपको भी ये लेना है तो आप इसको ले सकते हो डीकैथलॉन की साइट से, अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया तो मेरे को माफ़ कर देना। बाकी वाटरप्रूफ टेंट है एकदम, ब्रांडेड है, 3 साल की इसकी नॉट 3 साल की, 2 साल की इसकी वारंटी भी आया है, वेंटिलेशन वगैरह सब कुछ है। तो बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।